आपने तो सब बातें सुन ली, आपने सब बातें सुन ली। भारतीय जनता पार्टी के पास आज बचा क्या है? पुलिस, पैसा और प्रशासन। और भारतीय जनता पार्टी का चेहरा क्या है? भारतीय जनता पार्टी का चेहरा क्या है? प्रचार, प्रचार, भ्रष्टाचार और अत्याचार, ये भारतीय जनता पार्टी का चेहरा है। आपको समझाने की आवश्यकता नहीं है, आपको समझाने की आवश्यकता नहीं है कि आज हमारे सामने कौन सी चुनौती है। 4 महीने में चुनाव है, चुनाव तो आते हैं, जनपद का आता है, जिला पंचायत का आता है, नगर निकाय का आता है, विधानसभा का आता है, लोकसभा का आता है, हर चुनाव का अपना मायने होता है। पर अब 4 महीने में जो चुनाव है, ये चुनाव केवल किसी उम्मीदवार का नहीं है, ये चुनाव केवल किसी पार्टी का नहीं है, ये चुनाव मध्य प्रदेश के भविष्य का है। और मध्य प्रदेश के भविष्य को सुरक्षित रखने के लिए आप सब यहां उपस्थित हुए हैं। 15 महीने कांग्रेस की सरकार बनी थी, 15 साल बाद कांग्रेस की सरकार बनी थी, कौन सी चुनौती हमारे सामने नहीं थी? जो 15 महीने में हुआ, जिसमें से 2.5 महीने में, हमेशा कहता हूं, तो लोकसभा चुनाव और आचार संहिता में गए, 11.5 महीने में हमारी नीति और नियत का परिचय दिया। कौन सा पाप मैंने किया? मैंने गौशाला बनाई? कौन सी गलती मैंने करी? किसानों का कर्जा माफ किया? कौन सा गुनाह मैंने किया कि 100 रुपए 100 यूनिट बिजली दी, पेंशन बढ़ाया? ये सब मुझे दोहराने वाली बात नहीं है। शिवराज सिंह जी मुझे पूछते हैं कि आप हिसाब दो। शिवराज सिंह जी, हिसाब आपको जनता देगी, हिसाब आपको जनता देगी। और अब जनता ने शिवराज जी आपको अच्छी तरह पहचान लिया है। 18 साल बाद आपको लाडली बहन याद आई, 18 साल बाद गैस का सिलेंडर 500 रुपए का 1200 रुपए, और आप कहते हैं मैं 1000 रुपए दूंगा। मैंने कहा हमारी योजना में तो 1500 है, उन्होंने कहा मैं भी 1500 दूंगा। मैं कहता हूं 3000, कहेंगे मैं भी 3000 दूंगा। और अब कहने लग गए कि गैस सिलेंडर मैं दूंगा। मैं तो खुश हूं कि मेरे कहने पर आप ये सब कर रहे हैं, आप पहले कर देते तो ये हालात नहीं होते। ये आपको किसान याद आ रहे हैं, आज आपको कर्मचारी याद आ रहे हैं।